So in the name of Almar Duel, I am Tawseef Iqbal. So in this topic we have to discuss about effects of drug abuse. So we have basically started a series of lecture on drug abuse. So in first lecture we have discussed about definition of drug abuse. In second class we have discussed about causes of drug abuse. Now in this class our focus is only on what are the consequences, what are the effects of drug abuse. So first of all, these are the common effects. So the first one is the physical health and sexual energy of the adults weaken so rapidly that a young man of 30s look like an old man of 60s. So you look to these images, so you will get idea about the effects of drug abuse on person physical health. Next is reproductive health, and next is on their personality. So first of all, जितने भी ड्रग्स के मुतालिक हमने डिस्कस किया, जो लोग ड्रग्स की इलिसिट यूज़ करते हैं या मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसकी जो चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो उसकी फिज़िकल हेल्थ है। इसके साथ साथ उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जो शख्स ड्रग एडिक्ट होता है या वो ड्रग्स की मिस यूज़ करता है, तो उसकी जो फिज़िकल लुक होता है, उसकी जो बॉडी की आउटर लुक होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टेड होती है। तो अगर कोई भी बंदा हो, एज के लिहाज से अगर हम देखें, हुआ उसकी एज 30 हो, लेकिन वो अपनी फिजिकल लुक से इस तरह लगता है कि दे आर अबाउट 60 आर इक्वल टू 60। सो इट्स मीन दे आर लुकिंग डबल एज एज कंपेयर टू देयर कुलीग विच हैविंग देयर इक्वल एज। सो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कि एडिक्शन का बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं। बंदे की हवा कोई भी ऑर्गन हो, वो एक्सट्रीम हद तक इफेक्ट होता है, लेकिन जो आउटर लुक होता है उससे पता लगता है कि इस बंदे ने ड्रग्स की कितनी मिस यूज़ की है। तो इसी वजह से अगर कोई भी बंदा मेरिट हो, तो उसकी जो मैरिटल लाइफ होती है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। तो इसी वजह से अपने फिजिकल हेल्थ को बचाने के लिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को बचाने के लिए, इन तमाम एलिसिट ड्रग्स से अपने आप को बचाना होगा। नेक्स्ट इज एडिक्ट ब्रिंग रूइन टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिलीज। सो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, वो ड्रग एब्यूज़ पे लगा हुआ हो, तो ना फैमिली के लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो अपनी मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बहुत मोहलिक है, क्योंकि कोई भी बंदा जब ड्रग एब्यूज़ में लगता है, ड्रग एडिक्शन में लगता है, तो वो ऑलमोस्ट अपनी उसकी जो अकल होती है, उसकी जो कॉन्शियस होती है, वो उसकी लॉस होती है। तो इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो अपने जॉब से, अपनी सोशल लाइफ से महरूम होता है, और वो अपने ख़ानदान को, अपनी इनफरादी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, और अपनी
इर्द गिर्द के माहौल को बहुत नुकसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है अपनी घर की उसकी, तो वो भी ख़त्म होती है। तो इसी वजह से ड्रग एडिक्शन से बंदे की ना अपनी ज़िंदगी इफेक्ट होती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी फैमिली लाइफ भी बहुत हद तक इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ फिजिकली हैंडीकेप बेबीज़ आर बर्न टू एडिक्टेड वामेन, फिजिकली हैंडीकेप्ड बेबीज़, सो बेसिकली दीज आर इमेजेस ऑफ हैंडीकेप्ड बेबीज़। तो कोई भी फीमेल, कोई भी वामेन, कोई भी खातून जब ड्रग एडिक्शन में लग जाती है तो उसकी भी मैरिटल लाइफ बहुत हद तक इफेक्ट होती है। उसकी जो बेबीज पैदा होती है, उसकी जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें माल फॉर्मेशन होती है। जितने भी बच्चे उसकी पैदा होती है तो वो हैंडीकेप बेबीज हम उसे कहलाते हैं, क्योंकि उसकी किसी भी पार्ट्स पे बॉडी के या किसी भी आर्गन में कोई ना कोई मसला मौजूद होता है। तो इसी वजह से ये कितनी अफसोस की बात है कि बंदे की ना अपनी इंडिविजुअल लाइफ इफेक्ट होती है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जो बच्चे पैदा होंगे तो वो भी इफेक्ट होंगे। तो इसी वजह से अपने आप को भी बचाना चाहिए और अपने आने वाले बच्चों को, अपने बेबीज़ को भी इस लानत से बचाना होगा, क्योंकि जो बच्चे हैंडीकेप पैदा होंगे तो वो आगे भी मुल्क की इकानमी के लिए भी बोझ बनेगा। इसके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी पे अब उसकी अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी मसले होंगे। तो इसी वजह से इस्लाम ने इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों को बैन किया है, क्योंकि इससे सोशल लाइफ की जितनी भी स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट होती है। न बंदे की, न इंडिविजुअल की अपनी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, बल्कि होल फैमिली इस मसले में आती है। तो इसी वजह से फीमेल को, वुमेंस को भी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाए। नेक्स्ट इज़ एडिक्ट लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द विल टू वर्क। तो आप लोगों ने अपने माहौल में, अपने सराउंडिंग में मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा जो भीख मांगते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग इस तरह होते हैं इन लोगों में कि वो इसी वजह से भीख मांगते हैं क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन में लगे हुए होते हैं। उसकी अपनी जो इज्जत नफ्स होती है वो ख़त्म होती है इसी वजह से कि उसकी नई कौन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसकी होती है, ना उसकी सोशल लाइफ होती है। तो इसी वजह से उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ख़त्म होता है, सोशल लाइफ भी ऑलरेडी उसकी फिनिश होती है। तो इसी वजह से ये लोग जो होते हैं तो उसका सिर्फ ज़िंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, वो होता है भीख मांगना या किसी से चोरी करना। उन पैसों से वो इन तमाम नशावर अद्वियात को या स्मोकिंग टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को वो ख़रीदते हैं और इसी इन तमाम चीज़ों पे वो आगे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी वजह से ये लोग फिर काम काज के भी नहीं रहते और मुल्क की इकॉनमी पे और लोगों की ज़िंदगी पे ये लोग बोझ बन जाते हैं। तो इसी वजह से इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ ड्रग एडिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑन रोड्स। तो आप लोगों ने रोड्स पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सीडेंट और हादसात देखे होंगे, तो कोई भी इंडिविजुअल जब स्मोक करता हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राइविंग, तो आप लोगों को उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। और इस तरह के लोग भी होते हैं कि जब वो स्मोक करते हैं हेवी डोज में या वो अल्कोहल पीते हैं, तो इसी वजह से ड्यूरिंग ड्राइविंग दे लॉस्ट देयर कॉन्शियस एंड दे हिट अदर व्हीकल्स। तो इसी वजह से
ड्रग एडिक्शन की वजह से हर साल लाखों की तादाद में ये हादसात होती है और लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इसी वजह से रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होती है तो इसमें ज़्यादा तादाद में वो लोग होते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेल एडिक्ट इंडल्ज इन क्राइम्स टू अबटेन मनी फॉर देयर ड्रग सप्लाइज। तो इसी वजह से जब बंदे की जॉब नहीं होती उसकी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट होती है और वो एक ही काम में लग जाता है ड्रग एडिक्शन में। तो ये बात तो कॉमन है कि उसके पास पैसे नहीं होते तो वो इन तमाम चीज़ों को ख़रीदने के लिए वो अपने अपने लिए पैसों का बंदोबस्त करेगा। तो वो पैसे कुछ इस तरह ऑब्टेन करते हैं कि वो बिगिंग में लग जाएगा या वो किसी से पैसे चुराएगा। इसके साथ साथ वो कोशिश करेगा कि वो किसी क्राइम में लग जाए। तो इसी वजह से ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि सोशल लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हैं। तो इसी वजह से इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक ही काम करना चाहिए, वो है अपने आप को बचाना है। एंड लास्ट वन इज़ द फीमेल एडिक्ट इंडल्ज इन प्रॉस्टिट्यूशन टू पे फॉर देयर ड्रग्स। सो प्रॉस्टिट्यूशन का मतलब है टू डू सेक्स विद समवन फॉर मनी। तो कोई भी फीमेल जब ड्रग एडिक्शन में लग जाती है और अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो इस हद तक हो जाती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ सेक्स में लग जाती है पैसों के लिए। तो इसी वजह से इट्स अ मॉरल एंड सोशल ईविल। तो इसी वजह से इन तमाम बेड ईविल से इन तमाम चीज़ों से बचने का वाहिद हल यही है कि अपने आप को भी एडवांस में बचाए, इन चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहिए, उनके साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए, अपनी सोसाइटी को अपने लोगों को इन तमाम चीज़ों के मुतालिक आगाही देना चाहिए और अपनी सोसाइटी को इन तमाम क्राइम से, प्रॉस्टिट्यूशन से, एक्सटॉर्शन से, इसके साथ साथ जितने भी एसोसिएटेड मसले हैं ड्रग एब्यूज से जो कास होते हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन आर ड्रग एब्यूज आर कंसिक्वेंसेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। सो एज आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियस, सो इफ अ पर्सन आर ड्रग एडिक्ट सो डेफिनेटली दे विल बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स। नेक्स्ट वन इज़ सेक्शुअल एजल्ट। सो बेसिकली एजल्ट का मतलब है टू एंगेज विद समवन बाय फोर्स टू डू सेक्स विद समवन। तो किसी भी बंदे के साथ बाय फोर्स सेक्स में लगने को हम कहते हैं सेक्शुअल एजल्ट। नेक्स्ट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम। तो बंदे की इम्यूनिटी वीक होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शियस डिज़ीज़ उनको लगती है और इसकी जो फिज़िकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ, वो आलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्रोकन फैमिली। तो उनकी जो सोशल लाइफ होती है, मैरिटल लाइफ होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो लोग ड्रग एडिक्शन में लग जाते हैं तो उसमें एड्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस, ये तमाम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का चांस इन लोगों में बहुत इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से इन तमाम मुहलिक डिज़ीज़ से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ड्रग एडिक्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एलिनिएशन और लास्ट वन इज़ अनप्रोडक्टिव सोसाइटी। तो ये जो लास्ट पॉइंट है कि अगर सोसाइटी में ड्रग एडिक्ट्स की तादाद ज़्यादा हो तो बेसिकली वो सोसाइटी अनप्रोडक्टिव बन जाती है, ना उन लोगों का मुल्क को कोई फ़ायदा होता है, ना सोसाइटी को, ना कम्युनिटी को। तो इसी वजह से ये तमाम वो चीज़ें हैं कि इनसे अपने आप को बचाना चाहिए और ये वो चीज़ें हैं
जो हर ड्रग एडिक्ट पर्सन को के लाइफ में ये चीज़ें कॉमन होती है। तो इसी वजह से आप लोगों को चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, इट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म पीपल, टू इन्फॉर्म दोज स्टूडेंट्स, दोज यूथ एंड दोज इंडिविजुअल विच डजेंट नाउ द कंसिक्वेंसेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। सो बी केयरफुल एंड बी सेफ, एंड दिस इज़ बेसिकली आ स्टेटिस्टिक्स। मोर देन 7 मिलियन, सो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लेख, सो ऑलमोस्ट 70 लेख पीपल सफर फ्रॉम इलिसिट ड्रग यूज डिसऑर्डर, एंड 1 in 4 डेथ कैन बी एट्रिब्यूटेड टू अल्कोहल, टोबैको एंड इलिसिट आर प्रेस्क्रिप्शन ड्रग यूज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड विशेज़।